चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा टू स्टेप हेयर कट। तो ये दो स्टेप में हम ये हेयर कट करने वाले हैं, जिसके लिए हमने दो सेक्शन में ही बालों को डिवाइड किया है और ये अब तक का सबसे आसान वाला हेयर कट है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको पूरा चीज़ें समझ में आएगी। तो मैंने फर्स्टली ईयर टू ईयर एक पार्टीशन कर लिया है और उसको देख सकते हो आप, मैंने प्रॉपर रबर बैंड में टाई किया और सिमिलर मैंने बैक का जो जितना भी बड़ा पार्ट है उतने पार्ट को लेके पीछे मैंने उनको एक जगह पे टाई किया है। तो ये सबसे आसान हेयर कट है। तो जो सामने का पार्ट है ईयर टू ईयर वाला, वो मैं फर्स्ट करूँगा नोज़ तक कट। जितना भी देख रहा हो आप, मैं नोज़ के ऊपर ला रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा लेंथ मेंटेन रखनी होगी या फिर आपको थोड़े कम लेयर चाहिए तो आप और भी नीचे इसे ले सकते हो, बट मैंने उनके नोज़ तक ये हेयर कट किए हैं क्योंकि उनकी लेंथ जो है वो मिड लेंथ है। और उसके बाद आपको इसे प्रॉपरली कट कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा बीच में टेक्सचराइजिंग करना होगा, यानी नॉचिंग करना होगा क्योंकि वो प्रॉपर लाइन ना दिखे इसलिए, और वहाँ पे जो भी थोड़ा सा वॉल्यूम है उसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे। तो आप देख सकते हो मैं बस नॉचिंग कर रहा हूँ और वो जो पार्ट है उसको मैं बस अच्छे से टेक्सचराइजिंग कर रहा हूँ। जितना भी आप देख सकते हो प्रॉपरली टेक्सचराइजिंग मैं कर रहा हूँ और सिंपल तरीके से कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ भी ये हेयर कट में नहीं है। दो स्टेप में, दो चॉप में आप ये हेयर कट कर सकते हो। जैसे एक वाला पार्ट हमारा हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो आप देख सकते हो मैं प्रॉपरली बहुत ज़्यादा नॉचिंग कर रहा हूँ, तो इतना भी नहीं, आप थोड़ा बहुत भी कर सकते हो तो भी चलेगा। तो आपको नॉचिंग करना है, उसके बाद जो आते हैं हमारे पीछे वाले पार्ट में, तो पीछे वाला पार्ट एकदम आसानी से आप स्ट्रेट भी काट सकते हो, बट मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा फिंगर को टिल्ट कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा नेचुरल इन्वर्जन जैसा। देख सकते हो आप, थोड़ा सा मैंने टिल्ट किया और उनको पूछा कि आपको इतना बैक का लेंथ कम करना है या जो भी है, तो वो बोले ठीक है। तो मैं उतना ही पार्ट उसे कट कर रहा हूँ, देख सकते हो आप। तो आप भी बस दो सेक्शन में डिवाइड करके ये हेयर कट कर सकते हो और ये अब तक का मेरे ख्याल से बहुत ही आप यानी इतना इजीली ये हेयर कट कर पाओगे ना, बहुत इजी हेयर कट है ये। अब तक भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए, सभी इजी थे, बट ये मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये इजीएस्ट हेयर कट है। तो आप ये आराम से कर सकते हो, बस टू स्टेप में आप आपके क्लाइंट को प्रॉपरली एक हेयर कट का लुक दे सकते हो। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मैंने वो पार्ट फिर से एक बार क्रॉस चेक करेंगे हम लोग, जस्ट ऊपर लेंगे, कॉम करेंगे और देख सकते हो आप, और बीच में मैं कर रहा हूँ नॉचिंग। तो सिमिलर टेक्निक से आप भी आपके क्लाइंट को ये वाला हेयर कट दे सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, बीच वाला जो अपने जो रबर बैंड लगाया उसको क्या करेंगे हम लोग कट कर देता हूँ। तो आपको कैसे मैं प्रॉपरली लेयर दिखा पाऊँगा, तो वो जो भी ये रखा है रबर लगाया मैं उसे कट कर देता हूँ, देखो आप कट। और आपको मैं इंस्टेंट दिखाऊँगा कि लेयरिंग कैसा लग रहा है, ऐसा नहीं कि ब्लो ड्राई के बाद दिखाऊँगा, पहले आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने कट कर दिया और आप देख सकते हो अभी पीछे वाला पार्ट में आपको दिखा था, और आप देख सकते हो विदाउट ब्लो ड्राई कैसी लेयरिंग आ रही है उनके हेयर्स के ऊपर, और हमने जो भी पीछे वाला एक स्टेप काटा है वो कैसा लेयर दिख रहा है आगे। तो सिमिलर अभी आगे का रबर बैंड भी हम लोग हटा देंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो लुक कैसा आ रहा है उनके हेयर्स के ऊपर। तो दोस्तों बहुत ही आसान हेयर कट है, आपके क्लाइंट पर ज़रूर ट्राई कीजिए। वेवी हेयर, कर्ली हेयर पे आप ये हेयर कट बहुत अच्छे से कर सकते हो, और थोड़े स्ट्रेट रहेंगे स्ट्रेट वे भी, उनमें भी आप ये हेयर कट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो सामने भी कितना अच्छा फेदर वाला लुक ऐसे ही आ रहा है विदाउट कुछ किए बगैर, बस हमने आगे का ये हेयर कट किया था। तो अभी आप मैं बैक में दिखाता हूँ आपको कि हम लोग कैसे इसे प्रॉपरली ब्लो ड्राई करने वाले हैं। तो दोस्तों ब्लो ड्राई का टेक्निक आप लोगों को मालूम है मैं कैसे ब्लो ड्राई करता हूँ। तो आप अगर आपको ब्लो ड्राई के वीडियोस देखने होंगे तो मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारे पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किए हैं ब्लो ड्राई के, और इनका जो ब्लो ड्राई का टेक्निक होगा वो हम लोग कर रहे हैं आउटवर्ड, यानी आउट कर्ल्स हम इनके हेयर्स के ऊपर करने वाले हैं, और इतना इजी हेयर कट ये हुआ है। तो आप अगर ट्राई करोगे तो आपको सीखने मिलेगा। ट्राई करो, ट्राई करने में ये नहीं आप डमी लाओ, भले डमी पे प्रैक्टिस करो, या फिर अगर आपके पास लाइव मॉडल है तो उसके ऊपर भी आप ये हेयर कट की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों और भी अगर आपको कुछ डाउट हो इस हेयर कट को लेके तो ज़रूर कमेंट करना, और जो भी नए लोग हैं जो ये फील्ड में सीख रहे हैं
उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अगर उनके साथ शेयर करोगे तो वो इसे देख के कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखेंगे। तो शेयर करना ना भूलना, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। तो दोस्तों अभी मैं स्ट्रिक्स का देख सकते हो आप, सीरम थोड़ा लगा रहा हूँ, मेरा ऑलमोस्ट ब्लू ड्राई हो चुका है, तो थोड़ा शाइन के लिए हम लोग लगाएंगे सीरम, और मैं आपको अभी इनका दिखाता हूँ फाइनल रिज़ल्ट। तो दोस्तों देख सकते हो आप, 2 स्टेप में हमने इसे कंप्लीट किया है। तो ये हम लोग इस हेयर कट को नाम देंगे 2 स्टेप कट, और आप देख सकते हो कितने अच्छे हमने स्टेप्स दिए इनके हेयर्स के ऊपर, जो कि बस 2 सेक्शन में हमने डिवाइड करके किया है। तो दोस्तों ये सारे जो भी मैं हेयर कट करता हूँ आपके लिए करता हूँ, अलग अलग सोचता हूँ कि मैं कैसे और आसानी से हेयर कट के वीडियो आपके लिए बताऊँ, आपको सिखाऊँ। तो उसमें एक मेरा ये आज का ये हेयर कट का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, और लोगों को आसानी से हेयर कट करने के लिए आया, इसलिए मैंने ये हेयर कट सोचा और वैसा हेयर कट मैंने बनाया और आप लोगों के सामने इसे दिखाया। तो दोस्तों होप आप ये हेयर कट की प्रैक्टिस करोगे और आप इससे आपके क्लाइंट को सेटिस्फाई करोगे और आपका बिजनेस ग्रो करोगे। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये हेयर कट। थैंक यू सो मच।